नमस्कार। पुरुषों के लिंग में से निकलने वाला चिपचिपा पानी, क्या ये वीर्य है या कुछ और है? इसका कारण क्या है? इसमें और वीर्य में अंतर क्या है? और क्या इसका कोई इलाज भी किया जा सकता है? क्या इसके इलाज की जरूरत है? आज हम इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको ये जो चिपचिपे पानी है इसका रहस्य पता लग जाएगा और आप जो है इसको समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है। मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल से। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ हूँ। आज मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये एक सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है। मेरे पास ओपीडी में भी बहुत सारे जो लड़के आते हैं, यंग लड़के आते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे पेनिस में से चिपचिपा पानी निकलता रहता है, इससे हमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, हमारे से चला नहीं जाता, हमें किसी काम करने का दिल नहीं करता। तो क्या ये वाकई ही बीमारी है या क्या चीज है? मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं इसी सवाल को लेके कि डॉक्टर साहब, ये जो है चिपचिपा पानी, ये क्या चीज है? लोगों के मन में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं इस चिपचिपे पानी को लेके। आज के वीडियो का मेरा यही उद्देश्य है कि आपकी सारी गलत फहमियां दूर कर दी जाए और आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि ये जो चिपचिपा पानी है वो निकलता क्यों है और इसके बारे में क्या आपको करना चाहिए। जब भी संभोग का विचार हमारे मन में आता है, कोई सेक्सुअल थॉट आती है, किसी आप गर्लफ्रेंड के साथ या किसी स्पाउस के साथ आप चैट कर रहे हो, या आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जिसमें कुछ एरोटिक है जिससे कि आपके जो संभोग करने का विचार आपके मन में आ जाए, तो ये चिपचिपा पानी निकलना स्वाभाविक है। ये उसी तरीके से है जैसे आप पानी पूरी या गोलगप्पे को देखते हैं तो, या उसके बारे में सोचते हैं तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, हालांकि आप गोलगप्पा खा नहीं रहे हो, केवल विचार आ रहा है, इसी से आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है एक भोजन को खाने के लिए। इसी तरह से जब आपके मन में कोई विचार आता है तो चिपचिपा पानी अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और आपको ये डिफरेंस भी कई लोग जो है, जैसे अगर आप सोचते हो कि ये वीर्य है जो निकल रहा है और ये वीर्य निकलने से हमारे में कमजोरी आ जाएगी, तो ये चीज सोचिए कि वीर्य और इस पानी में जो प्रीकम है इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला तो ये है कि ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है जबकि वीर्य चिपचिपा नहीं होता है। दूसरी इसकी मात्रा इसकी 2, 4, 5 या किसी में 6-7 बूंद भी निकल सकता है, लेकिन जो वीर्य होता है उसकी क्वांटिटी लगभग 2 ml के करीब होती है। अगर बूंदों में हम कैलकुलेट करें तो 40 से 60 बूंदे हमारे एक बार में वीर्य में निकल सकती है। तो वीर्य जो है वो थोड़ा सा जैसे वाइटिश होता है, सफेद पन में होता है, जबकि ये जो पानी है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पानी है ये वीर्य नहीं होता, तो इसमें शकराणु भी बहुत कम होते हैं, ना मात्र ही होते हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इसके अंदर शकराणु बिल्कुल नहीं होते। कई बार क्या होता है, लोग विड्रॉल मेथड यूज करते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, डिस्चार्ज होने से पहले ही अपने पेनिस को निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। तो आप ये मानिए कि इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में शुक्राणु होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो आप किसी ना किसी प्रिकॉशन का जरूर यूज करिए। ये मत सोचिए कि ये जो पानी निकल रहा है इसके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि एक शरीर की नॉर्मल सिक्रीशन है, लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने की वजह से या एक्सेसिव मास्टरबेशन करने की वजह से या ज्यादा गर्म चीजें खाने की वजह से ये जो है धीरे धीरे सारा दिन निकलता रहता है। जब आपके मन में कोई सेक्सुअल थॉट नहीं भी है, जब आप सेक्स करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, तब भी आपको ये चिपचिपा पानी सा निकलता रहता है, आपके कपड़े गंदे करता रहता है। तो ऐसी अगर कंडीशन हो रही है तो हो सकता है कि आपके अंदर किसी प्रकार की कमजोरी हो या कोई इन्फेक्शन हो आपके प्रजनन तंत्र के अंदर, जैसे कॉपर ग्लैंड्स की इन्फेक्शन हो गई या किसी और पार्ट की इन्फेक्शन होगी। इस इन्फेक्शन की वजह से भी ये पानी थोड़ा थोड़ा लीकेज होती रहेगी। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका बड़ा सरल सा इलाज हो जाता है, लेकिन आपको अगर आप किसी की एडवाइस ही सीख नहीं करेंगे, किसी डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, तो फिर ये इलाज आपका कैसे हो पाएगा।